हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास सिक्स। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे नाउन एडजेक्टिव। तो हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लोजेज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। यानी विशेषण वे शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त सूचना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड, ब्लैक, मैनी, फ्यू, बिग, ब्रेव एक्सेट्रा। अब देख जैसे देखते हैं हम ब्लैक कार, तो देयर इज ए ब्लैक कार, ब्लैक कार है। तो जो कार है उसकी क्वालिटी उसकी विशेषता क्या है कि वो कार ब्लैक है। तो जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है। फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, तो देयर आर फ्यू बॉयज। जो बॉयज है, फ्यू यानी कि जो फ्यू वर्ड है वो एडजेक्टिव्स है। बिग कार, इट इज ए बिग कार। तो जो कार जो है वो बड़ी है। तो जो कार की जो विशेषता है वो क्या है, बड़ी है। तो जो बिग है वो एडजेक्टिव है। ब्रेव बॉय, ही इज ए ब्रेव बॉय। तो जो ब्रेव है वो क्या, जो ब्रेव है बॉय, तो जो बॉय ब्रेव है उसकी क्वालिटी उसकी विशेषता क्या है कि वो ब्रेव है, बहादुर है। तो ब्रेव इज एडजेक्टिव। गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। तो गुड इज एडजेक्टिव। मैनी कार्स, देयर आर मैनी कार्स। तो मैनी है वो एडजेक्टिव है। अब हम इसके एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देयर आर एट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो गुणवत्ता क्वालिटी होती है उसको डिस्क्राइब करने वाला गुणात्मक विशेषण के रूप में कहते हैं। यानी कि जो उसकी क्वालिटी है उसको उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री एक्सेट्रा। चलिए हम इसको सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। ही इज ए क्लेवर बॉय। तो ही इज ए क्लेवर बॉय, जो क्लेवर है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बॉय की। आई सॉ ए हंग्री कैट। तो जो आई सॉ ए हंग्री कैट, जो हंग्री है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, कैट की क्वालिटी है। दिस इज ए हैवी बॉक्स। तो दिस इज ए हैवी बॉक्स, जो बॉक्स हैवी है तो हैवी जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सेकेंड हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसे हम हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि वो शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्वांटिटी यानी कि मात्रा का वर्णन करता है उसे विशेषण मात्रा के रूप में जाना जाता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम, लिटिल, ऑल, होल, डबल, फ्यू, हाफ, एनी एक्सेट्रा। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आई डोंट हैव मच टाइम।
तो आई डोंट हैव मच टाइम, जो मच है वो क्वांटिटी है, कि मच टाइम ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई हैव लिटिल फैथ इन गॉड, तो आई हैव लिटिल फैथ, जो लिटिल है, लिटिल फैथ इन गॉड, जो लिटिल है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क, तो ही हैज़ टेकन, हाफ जो है वो मिल्क की क्वांटिटी है। चलिए थर्ड हम देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन्स एट देयर पोजिशन और प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी कि वो है शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की सही संख्या को व्यक्त करता है, एग्जैक्ट यानी सही संख्या को व्यक्त करता है, और देयर पोजिशन यानी पोजिशन यानी उसकी स्थिति, और प्लेस यानी स्थान को, प्लेस और स्थान को, प्लेस और स्थान को विशेषण की संख्या कहा जाता है, यानी कि उसे एडजेक्टिव ऑफ नाउन कहा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वन और फर्स्ट, यानी वन को हम फर्स्ट भी कहते हैं, टू और सेकंड, टू को सेकंड कहते हैं, थ्री और थर्ड, सून ऑन, ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम, एक्सेट्रा। तो हम इसको सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। चलिए देखते हैं, ए वीक हैज़ सेवन डेज, तो ए वीक हैज़, तो डे कितने हैं, सेवन है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर नाइन पर्सन इन ए ग्रुप, तो देयर आर नाइन पर्सन, जो नाइन है पर्सन, नाइन है ग्रुप के अंदर, तो जो नाइन है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं उसे, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा ये सेंटेंस। एवरी पुअर नीड्स जॉब, तो जो एवरी है यानी प्रत्येक, पुअर नीड जॉब, तो जो एवरी है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो चलिए अब इसके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं, जैसे दोनों में सेम एग्जांपल होते हैं, जैसे सम, फ्यू, मैनी, दोनों में यूज़ होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है वो हम इनको देखते हैं। तो चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज दैट इनडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स ऑफ सम, फ्यू, मैनी, एक्सेट्रा आर यूज विथ काउंटेबल नाउन। यानी कि इनडेफिनेट क्यों बोला गया यहाँ पे, इनडेफिनेट इसलिए जिनका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, यानी कि सम, फ्यू, मैनी ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। तो काउंटेबल नाउन के साथ इसे यूज किया जाता है, लेकिन जो इसमें एडजेक्टिव है वो इसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये होगा इसमें, इसलिए इसमें सम, फ्यू, मैनी, वही सेम इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में एड, इसमें नंबर के बारे में भी इसमें दिया गया है। तो इसमें तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो सेम जो वर्ड्स है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज़ किए जाते हैं। तो चलो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम देखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर सम, फ्यू, मैनी, एक्सेट्रा आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। तो जो एडजेक्टिव नंबर में भी सेम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो ये काउंटेबल नाउन में यूज़ होंगे। तो जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, आई ड्रैंक सम वाटर, तो जो वाटर है उसे हम काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एग्जांपल सम पीपल स्टैंडिंग हेयर, यानी कि कुछ लोग, तो लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में होगा। तो आगे हम देखेंगे।
तो हम फोर्थ हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जो जो पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक पर्सन यानी कि किसी विशेष व्यक्ति को और विशेष चीज़ों को, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट दीज दोज लेटर सच एक्सेट्रा। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आई हेट सच थिंग, आई हेट सच थिंग। तो ये जो सच है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वॉज गुड। तो जो फॉर्मर है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वॉज गुड। तो जो फॉर्मर है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस ए लॉट। तो द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस ए लॉट यानी कि जो लेटर है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब इसमें भी डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि इसमें भी डिफरेंस होगा। यानी कि क्योंकि प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव होता है और एडजेक्टिव भी डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, तो हमें किसी सेंटेंस में कैसे पता लगेगा कि यह एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव या प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम डिफरेंस देखेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड द नाउन। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि हमने बताया कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो जैसे दिस कार इज एक्सपेंसिव, तो जो कार है वो एक्सपेंसिव है, तो इस ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज। जैसे दिस इज माई कार, तो यानी माई कार, तो इसमें दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड्स दैट आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यानी कि जिन शब्दों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए नाउन के साथ में किया जाता है, तो उसे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेंटेंस में हम देखते हैं व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही। तो व्हाट जो है वो व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज यानी कि जो व्हाट है वो एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज यानी जो हुज है वो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछ रहा है इसमें, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव होगा। अब इसमें भी हम डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क ए क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब ए नाउन। यानी कि जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है वो एक प्रश्न पूछता है एक नाउन के लिए, नाउन के बारे में पूछता है। यानी जैसे विच कलर लुक्स बेटर,
तो जो इसमें प्रश्न है, इसमें इन विच जो है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें इसके बाद में नाउन का प्रयोग हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आस्क ए क्वेश्चन बट स्टैंड अलोन मीन्स डज नॉट डिस्क्राइब ए नाउन। यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो एक प्रश्न पूछता है, बट लेकिन उसमें उसमें कोई नाउन के बारे में कोई डिस्क्राइब नहीं होता, नाउन के बारे में कोई वर्णन नहीं होता। जैसे विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे, तो जो विच है इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए वर्ड यूज्ड टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी वन एक्सेट्रा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब हो, इसकी डेफिनेशन का मतलब होगा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द को, यानी प्रयुक्त शब्द को वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसकी हम डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो हम इसकी इसके डिफरेंस हम देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। देयर इज ए ऑलवेज ए नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन अटैच होता है। जैसे ईच मैन गिव ए पेन, तो जिसमें नाउन है मैन, इसके साथ में ईच अटैच हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देयर इज ए नेवर नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी कि इसमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, इसमें कोई नाउन नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पे कि ईच ऑफ अस विल गेट ए पेन, तो इसमें जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज़ नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन एंड लाइक प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव बिगेंस विथ ए कैपिटल लेटर। यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हुई है, और ये किसी भी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, तो इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो जो कैपिटल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इटालियन, रशियन, इंडियन एक्सेट्रा। यानी कि जो इटालियन है वो प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हुआ है। जैसे इटालियन इटली से, रशियन इंडियन इंडिया से, एक्सेट्रा। जैसे इसे हम सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। शी इज एन इंडियन पर्सन, तो शी इज एन इंडियन पर्सन। यानी कि इंडियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइनीज नूडल्स आर इन किचन। चाइनीज है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी कि चाइनीज नूडल आर इन ए किचन, तो चाइनीज इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं
पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को अधिकार वाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव शोज समथिंग बिलोंग टू समबडी, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव बिलोंग करती है समबडी यानी किसी को, उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई, योर, इट्स, देयर, हिज, हर एक्सेट्रा। जैसे इसे हम सेंटेंस के थ्रू हम इसे देखते हैं, माई बुक इज ऑन द टेबल। तो माई बुक इज ऑन द टेबल, ये यहाँ पर जो माई वर्ड है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स। तो आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स, तो इसमें जो योर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। His brother is very handsome. His brother is very handsome. ये जो his है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें इसमें देखेंगे डिफरेंस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन में, कि इसमें इनके वर्ड से ही पता चलता है कि ये ऑनरशिप शो करती है। तो पजेसिव एडजेक्टिव को हम देखते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज टू शो ऑनरशिप एंड कम्स बिफोर ए नाउन इन द सेंटेंस। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव नाउन, नाउन के वर्ड से ही पता चलता है कि यह ऑनरशिप शो करती है, लेकिन ये नाउन से पहले आती है। सेंटेंस में हम देखते हैं, माई बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें नाउन से पहले माई है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब इसमें पजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन डज शो ऑनरशिप बट इट डज नॉट कम बिफोर ए नाउन, इट कैन आल्सो बी यूज टू रिप्लेस नाउन। यानी कि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो ऑनरशिप तो शो करती है, लेकिन इट डज नॉट, ये है किसी नाउन के पहले नहीं आती है। जैसे दिस फोन इज योर्स, तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।